है। एक गैस जॉइंट के रूप में जुपिटर की डेंसिटी 1.33 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो सूरज की डेंसिटी 1.1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि डेंसिटी के मामले में भी दोनों काफ़ी सेम है। हमारा सूरज 71% हाइड्रोजन और 27% हीलियम का बना है, तो वहीं जुपिटर 73% हाइड्रोजन और 24% हीलियम से बना हुआ है। अब सवाल यह आता है कि इतनी सारी सिमिलरिटी के बाद भी जुपिटर स्टार क्यों नहीं है? अगर ऐसा कहा जाए कि इसकी साइज काफ़ी छोटी है, तो यार इसकी छोटी साइज के स्टार के एग्जांपल तो हम आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। EBLM JO 5557 AB का साइज तो जुपिटर से छोटा है, लेकिन वह एक सक्सेसफुल स्टार बन पाया है। तो आखिर वह कौन सा कारण है जो जुपिटर को स्टार बनने से रोक रहा है? बिल दोस्तों, इसका कारण है जुपिटर का मास। अब दोस्तों जरा विकिपीडिया पर नज़र डालें तो हमें यहां से यह मिलता है, यूनिवर्स के स्मॉल स्टार के साइज को जुपिटर के 1.81 टाइम्स ही है, लेकिन इसके बावजूद भी इसका जुपिटर का मास 85 टाइम्स ज़्यादा है। जुपिटर का मास इतना ज़्यादा है ही नहीं कि वह अपने कोर में हाइड्रोजन और हीलियम का फ्यूजन करा सके। अब अगर हम सोलर सिस्टम को सारे ऑब्जेक्ट को एक तरफ रखें और जुपिटर को दूसरी तरफ, जुपिटर उन सभी से 2.5 टाइम्स ज़्यादा मैसिव है। और यार इन फैक्ट और फिंगर को सुनने के बाद हमें ऐसा लगता है कि अगर जुपिटर के पास और थोड़ा सा मास होता तो वह शायद एक स्टार बन सकता था, और यही कारण है कि हम जुपिटर को एक फेल्ड स्टार कहते हैं, राइट? लेकिन रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक थोड़े से आसान शब्दों में समझते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो पार्ट 1 है, अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।